हाफ ईयरली प्रीवियस ईयर पेपर 2016-17, उसके जो क्वेश्चंस आए हैं उसको सॉल्व किया गया है। एक आदि केन पूर्वेन से इसको मल्टीप्लाई करना था, 103 × 107। इसको कैसे करते हैं, या तो 3 और 7 जो इनका डिजिट का सम होना चाहिए 1, या फिर 10 या फिर 100। इन डिजिट्स को साइड्स पे लिखते हैं राइट साइड में, और जो 10 डिजिट है जो दोनों में कॉमन आती है, 10 इधर भी है 10 इधर भी है, उसको हम मल्टीप्लाई करते हैं उससे एक ज़्यादा डिजिट से, इसीलिए एक आदि केन बोलते हैं उससे। मल्टीप्लाई करिए, आंसर आ गया। सेकंड क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू एक्स वाई जेड। इसमें एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। हमें पता ही है एक्स वाई जेड की वैल्यू कैसे मिलती है, लीनियर पेयर वर्टिकल अपोजिट एंगल उसके हिसाब से। अगर 140 ऊपर का है तो नीचे वाला भी 140 होगा, वर्टिकल अपोजिट एंगल। देन हम जानते हैं लीनियर पेयर में x प्लस जेड इक्वल्स टू 180, जेड का वैल्यू हमने निकाल लिया, 140 वहाँ पे प्लेस कर देंगे और x की वैल्यू निकल जाएगी, जितनी x की वैल्यू होगी इतनी y की वैल्यू होगी। नेक्स्ट स्लाइड में देखिए, ये रहा y इक्वल्स टू x, वर्टिकल अपोजिट एंगल y इक्वल्स टू 40 डिग्री। थर्ड है रेगुलर पॉलीगॉन, एक्सटीरियर एंगल 45 है, फाइंड द नंबर, फॉर्मूला होता है, पुट करिए वैल्यू हो जाएगी। फोर्थ वॉल्यूम ऑफ क्यूब गिवन है, तो इसका साइड निकाल सकते हैं आप। साइड निकालने के अलग अलग फॉर्मूले हैं, एक एलसीएम मेथड भी एक डायरेक्ट है, आपको जो अच्छा लगे उससे करिए। एलसीएम लीजिए, 3 का पेयर बनेगा उसमें से 2 को कॉमन लीजिए, यहाँ 3 का पेयर बनेगा इसमें से 3 को कॉमन लीजिए, 2 और 3 को मल्टीप्लाई करिए, 6 आ जाएगा। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन था चेंज 3/5 to degree, ये रेडियन में गिवन था, रेडियन में गिवन होता है जो भी, उसको 180/π से मल्टीप्लाई करिए, डिग्री में कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट है आपका एक डायग्राम गिवन था, उसमें AD = BC है और एंगल B = एंगल A है। हमें प्रूव करना था ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ABD, तो इसको प्रूव करना बहुत इजी है। हमें गिवन है AD = BC, एंगल B और एंगल A गिवन है, और साइड AB दोनों में कॉमन है, तो तीनों चीज़ मिल गई, 3 चीज़ें हमें चाहिए होती हैं, तो बाई SAS बोथ ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, हेंस प्रूव्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन 7th, इसमें एक टैंक गिवन था जिसका 15,000 लीटर वॉल्यूम है, लेंथ गिवन है, विड्थ गिवन है, हाइट हमें फाइंड आउट करना है। पहले हमें 1500 लीटर को मीटर क्यूब में चेंज करना पड़ेगा। हम जानते हैं 1000 लीटर = 1 मीटर क्यूब, देन 15,000 लीटर = 15 मीटर क्यूब, वॉल्यूम ऑफ वाटर आ गया। देन हमें पता है वॉल्यूम का फॉर्मूला L×B×H, लेंथ हमें पता है, विड्थ हमें पता है, एच हमें पता है, और वॉल्यूम हमें पता है 15 मीटर क्यूब है, = 15 मीटर क्यूब, देन हाइट = 3 मीटर। इफ़ ए क्वाड्रिलेटरल ट्राइंगल इफ़ ए इक्विलेटरल ट्राइंगल इज डबल, फाइंड द रेशियो ऑफ एरियाज। अगर एक इक्विलेटरल ट्राइंगल के साइड्स को डबल कर दे तो उसका एरिया का रेशियो निकालिए। तो हमने 2 डायग्राम बनाए जिसमें एक साइड है XXX और दूसरे में डबल करने के बाद 2X, 2X, 2X। इसका सॉल्यूशन ऐसे होगा, हमें पता है इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, तो पहले वाले का एरिया हमने मान लिया 3/4 A1² और सेकंड वाले का A2² 3/4 दोनों साइड में कैंसिल कर दीजिए, और A1 की जगह और A2 की जगह वहाँ से साइड्स की वैल्यू रख देंगे, वहाँ पर साइड की वैल्यू x है एक में और दूसरे में 2x है, x² 2x² x² से x² कैंसिल, देन 1:4 आपका आंसर आ गया। टेंथ में इसका आगे जाके डायरेक्ट फार्मूला है जिसमें एरिया ऑफ ABC/AREQR = होता है AB/PQ² AB हमें पता है 1 है क्योंकि सारी साइड्स 1-1 है और दूसरे वाले की साइड है 2-2-2 डबल, तो 1/2² = 1/4 आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 9th, इफ़ cos theta 5/13, फाइंड sin theta एंड tan theta।
तो ये तो आप आराम से, हमें पता है कॉस थीटा बी बाई एच होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, हमें पता है पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे इसमें, एच स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 13 स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, 5 किसकी वैल्यू है बी की, बेस की, और हम फिर 13 स्क्वायर किसकी वैल्यू थी एच की, हमने सब जगह वैल्यू पुट करी और आंसर हमारा पी का आया। पी की वैल्यू आ गई तो हमें साइन थीटा का वैल्यू हमें पता होता है, टेन थीटा की वैल्यू भी हमें पता है, तो पहले साइन थीटा निकाल लेते हैं, वी नो दैट साइन थीटा इज इक्वल टू पी अपॉन एच, पी हमें पता है 12, भी हमने फाइंड किया और 13 हमारा एच गिवन है, और टेन थीटा होता है साइन अपॉन कॉस, कॉस ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, साइन हमने निकाल लिया, साइन बाई कॉस करके निकाल लिया आंसर 12/5 आंसर आ जाएगा। एंड है प्रूफ 1 - sin θ 1 + sin θ इक्वल्स टू 1 - sin θ अपॉन कॉस थीटा, सिंपल है, रेशनलाइज का हमेशा क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन आते रहते हैं। तो रेशनलाइज में क्या करते हैं, जो नीचे डिनोमिनेटर में 1 + sin θ है उसके जस्ट अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई कर देते हैं ऊपर नीचे, तो 1 + sin θ है तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 - sin θ से अपॉन 1 - sin θ के वॉल्यूम से, सॉल्व कर देंगे, सॉल्व करने के बाद हमारे पास आंसर आ जाएगा सॉल्व करने से हमें आ जाएगा 1 - sin θ अपॉन कॉस थीटा, हैंस प्रूफ यही पूछा गया था। अगर आगे इसी क्वेश्चन को वो प्रूव करवाना चाहता है sec थीटा माइनस टेन थीटा, तो हम इसको LCM 1 - sin θ अपॉन कॉस थीटा को अलग अलग ब्रेक कर देंगे, 1 / cos θ माइनस साइन बाई कॉस थीटा अलग अलग लिख लेंगे, साइन बाई कॉस हमें पता होता है 10 होता है और 1 / cos होता है sec थीटा, हमने पढ़ा है आइडेंटिटीज में। नेक्स्ट फाइंड स्क्वायर रूट बाई वैदिक मैथ, तो हमें वैदिक मैथ से स्क्वायर रूट निकालना होता है तो हम निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है सॉल्व 81 की पावर 1/2, तो इसको सॉल्व करना बहुत इजी है, हमें पता है इसमें हमारे एक्सपोनेंट एंड पावर वाले फॉर्मूले लगते हैं, a^m n, तो a^m (n) होता है आंसर आ जाएगा। एक क्वेश्चन गिवन है और इसमें बोल रहा फाइंड करिए y की वैल्यू, तो आप आराम से इस क्वेश्चन को एज इट इज रख सकते हैं, और आपको x की वैल्यू -4/3 रखनी है हर जगह पे, वहाँ पे रखिए y की वैल्यू आपके पास आ जाएगी। फाइंड द डायगनल ऑफ ए स्क्वायर ऑफ साइड 10 cm, एक स्क्वायर साइड है उसका डायगनल फाइंड आउट करना है, डायरेक्ट फार्मूला होता है डायगनल स्क्वायर फाइंड आउट करने का, साइड √2, साइड हमें पता है 10 √2, ये भी आंसर है, और आप निकाल सकते हैं इसको पाइथागोरस थ्योरम से, हमें पता है बेस और हाइट 10 है, बेस एंड परपेंडिकुलर 10 है, एच निकल जाएगा तो एच की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 10/√2। नेक्स्ट 15 में राइट द फार्मूला ऑफ एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, अभी हमने सॉल्व किया था और फार्मूला होता है √3/4a². 16 है मीन वाला फॉर्म, मीन हमें पता है मीन क्या होता है, मीन इक्वल्स टू ऑल द सम नंबर एंड अपॉन द टोटल नंबर्स जितने हैं काउंटिंग में, तो मीन हमें 7 गिवन है, x बार इज द मीन 7 गिवन है, 7 इक्वल्स टू टोटल करिए 32 + x / 6 आ जाएगा, क्योंकि डिजिट नंबर ऑफ डिजिट 6 है, 1 2 3 4 5 6, यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। 17 वही सेम रैशनलाइज करना, नीचे प्लस का साइन है तो मल्टीप्लाई करेंगे माइनस वाले साइन से और हमारा आंसर आ जाएगा। आंसर कब तक सॉल्व करते हैं, जब तक डिनोमिनेटर के हम रूट को हटा ना दें, जैसे हम डिनोमिनेटर से रूट को हटा देते हैं हमारा आंसर आ जाता है। 18 नंबर फाइंड द वैल्यू ऑफ के, तो आपको पता है x इक्वल्स टू -5 है, देन x की वैल्यू माइनस x माइनस 5 है, देन x इक्वल्स टू 5, पुट द वैल्यू ऑफ x इन द इक्वेशन, उस इक्वेशन में आप x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, k की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। नेक्स्ट है आपका कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन में आपका है एंगल 75 एंड 30 विद कंपास बनाना है, आप बना सकते हैं एंगल और इसके कंस्ट्रक्शन के पॉइंट्स आपको लिखने हैं। कंस्ट्रक्शन का फिर से क्वेश्चन है, इसमें पैरेललोग्राम ड्रॉ करना था, ए बी बी सी एंड डायगनल गिवन है, ये आपको आता है बनाने, आप आराम से इसको बना सकते हैं और इसके पॉइंट्स आपको लिखने हैं।
फाइंड द एरिया ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल वेयर ए बी सी डी सब गिवन है, तो हमें पता होता है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का एरिया का फॉर्मूला होता है एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, एस माइनस डी का अंडर रूट। पहले हमें एस फाइंड आउट करना पड़ता है, एस होता है सेमी पैरामीटर और उसका फॉर्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी अपॉन टू। हमारे पास ए 36, बी 77, डी 75 एंड 40। इसको करिए, एस की वैल्यू 114 आ जाएगी, इसको फॉर्मूला पुट करिए, आंसर आ जाएगा। हाउ मच टाइम टेकन विल बी नीडेड टू मिनट आर्म ऑफ ए क्लॉक टू मेक 3 पाई बाई 2 रेडियन। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। चलिए सॉल्यूशन देखिए, 2 पाई रेडियन में 60 मिनट होता है, तो 1 पाई रेडियन में 60 अपॉन 2 पाई, देन 3 पाई अपॉन 2 रेडियन में, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, मिनट में आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 23rd, इफ सेक थीटा इज 12 अपॉन फाइंड द, यही सेम क्वेश्चन अभी हमने किया था वही हम कर रहे हैं। हमें पता है टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है, ये फॉर्मूला होता है अगर आपको पता है तो। तो 13 अपॉन 12 हमको गिवन है माइनस 1, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी आपके पास 5 अपॉन 2 12 टेन थीटा की। टेन थीटा की वैल्यू जो हमें फाइंड करना है वहाँ पे रख देंगे, ये रखा हमने और इसको फाइंड आउट कर दिया, ये रहा आपका आंसर 7/70। मार्क ऑब्टेंड बाय 30 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th इन एग्जामिनेशन, मार्क्स गिवन है। प्रिपेयर ए फ्रीक्वेंसी टेबल ऑफ 5 क्लासेस विद क्लास साइज ऑफ 10, क्लास साइज 10 लेनी है और इंटरवल 5 का रहेगा, इसमें टैली मार्क्स और फ्रीक्वेंसी सॉल्व करनी है। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, आप कर सकते हैं। डिवाइड बाय निकलम सूत्र, हमें आता है निकलम सूत्र से डिवाइड करना, तो आराम से आप देख सकते हैं और इसको डिवाइड करने के लिए बेस 10 डेविएशन 10 माइन सॉरी बेस 100 डेविएशन 100 माइन 197 इसको 203, ये हमारे पास डेविएशन है, तो हम लिखते हैं 97 और यहाँ पर 03 दी डेविएशन, और सॉल्व करते हुए हम आंसर निकाल लेंगे। दैट इज द क्वेश्चन एंड द रिमाइंडर 26 ईच इंटीरियर एंगल 175 फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ ए रेगुलर पॉलीगोन। रेगुलर पॉलीगोन का ईच इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला होता है n माइनस 2 इंटू 180 अपॉन n, गिवन है आंसर फाइंड आउट करिए n का, तो 72 साइड्स आ जाएगा। यहाँ पर मैंने डिग्री लिख दिया है, डिग्री को कैंसिल कर दीजिए, 72 सॉरी ये एंगल आ जाएगा आपका 72 27। इफ टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इक्वल देन देयर अपोजिट साइड्स आर इक्वल, इट इज ए थ्योरम। इसमें कंस्ट्रक्शन करेंगे हम, एक पहले ट्रायंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाएंगे, कंस्ट्रक्शन करेंगे ए डी इज परपेंडिकुलर टू बी सी, देन हम इसको प्रूव कर देंगे आराम से, इजीली प्रूव हो जाता है ये, और आपके थ्योरम भी बने, आप चेक कर सकते हैं। कंस्ट्रक्शन ट्रायंगल ए बी सी वेयर बी इक्वल्स टू 60 डिग्री, बी सी 6 सेंटीमीटर, ए प्लस बी इज ए बी प्लस ए सी इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर। इसका कंस्ट्रक्शन बहुत ही ईजी है, आप इसको एक बार बुक से देखिए, रेफर करिए, आपको पता चल जाएगा। प्रूव द लाइन ड्रॉ थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल पैरेलल टू द अनदर साइड बाइसेक्ट्स द थर्ड साइड्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, बुक में गिवन है, आप वहाँ से भी इसको टैली कर सकते हैं, इजी थ्योरम है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। ये रहा प्रूफ, हमने इसको प्रूफ किया और बाइसिप्लिसिटी ए इज इक्वल टू सी। ए मैन वॉक्स 10 मीटर इन ईस्ट एंड देन 30 मीटर इन नॉर्थ साइड फाइंड हिज डिस्टेंस फ्रॉम द इनिशियल पॉइंट। तो एक आदमी ए पॉइंट से बी पॉइंट की तरफ 10 मीटर चला, देन बी से सी की तरफ नॉर्थ में 30 मीटर चला, तो हमें इसका निकालना। अभी हमने हाइपोटेनस परपेंडिकुलर बेस के फॉर्मूले से निकाला था, वैसे निकालना। लेंथ ऑफ ए बॉक्स इज 30 सेंटीमीटर, ब्रेथ 20 सेंटीमीटर, हाइट 6 सेंटीमीटर, हाउ मेनी कैसेट्स ऑफ साइड ऑफ दिस कैन बी प्लेस्ड।
सबसे पहले बॉक्स की साइज़ हमें पता है, तो इसका वॉल्यूम हमें पता चल जाएगा एल इंटू बी इंटू एच, और देन कैसेट का वॉल्यूम देखेंगे एल इंटू बी इंटू एच, सो नंबर ऑफ कैसेट्स वॉल्यूम ऑफ बॉक्स अपॉन कैसेट, देन 36 आंसर। ट्रैफिक लाइट रिमेंस ग्रीन येलो और रेड अप टू 90 सेकेंड एज ए बिजी क्रॉसिंग। ये क्वेश्चन रोड सेफ्टी लास्ट चैप्टर से है और ये एग्जांपल लिवेन है, वहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। इसमें आपके 10 हैं नंबर ऑफ टोटल सिग्नल, जिसमें से 3 येलो 3 रेड एंड 3 ग्रीन है। तो क्वेश्चन पूछा गया ग्रीन की और रेड की प्रोबेबिलिटी बताइए, तो हमने इसको निकाला सिग्नल्स हैं रेड के 3 ग्रीन 4 येलो के 3, टोटल 10 सिग्नल्स, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट जी यानी कि ग्रीन 4/10 एंड रेड 3/10। फैक्टराइज एनी 3, यहाँ पर आपके पास 5 क्वेश्चंस आएंगे फैक्टराइज करने के। आप यहाँ पे आइडेंटिटीज आपको याद होनी चाहिए, फैक्टराइज आराम से करते हैं। पहले वाले क्वेश्चन में आप 4a³ + 3b³ के रूप में कन्वर्ट कर लें इसको, और a³ + b³ को फॉर्मूला लगा करके सॉल्व कर दें। सेकेंड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे यूजिंग आइडेंटिटी a-b का होल स्क्वायर, सॉल्व हो जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन भी सेम a-b a²-b² का आइडेंटिटी लगेगा और सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3x² + 7x + 2। 7 के हमें ऐसे टुकड़े करने पड़ते हैं जिसका मल्टीप्लाई करें तो ऐड करें तो 7 आए और मल्टीप्लाई करें तो 6 आए, क्योंकि लास्ट और फर्स्ट डिजिट का मल्टीप्लाई भी 6 है, 3 × 2, और यहाँ पर भी 6 आना चाहिए। इसको सॉल्व कर सकते हैं। फिफ्थ भी सेम एज इट इज़ है, मल्टीप्लाई करें तो लास्ट और फर्स्ट डिजिट को मल्टीप्लाई 36 होना चाहिए, तो बीच वाले डिजिट का भी मल्टीप्लाई 36 होना चाहिए, 9 × 4 = 36, और एडिशन और सब्ट्रैक्शन पे 5x बचना चाहिए। तो हम देख लीजिए सॉल्वर के, यही है आंसर। नेक्स्ट, इफ़ 1 इज़ एडेड टू न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर सेपरेटली ऑफ ए फ्रैक्शन, देन द फ्रैक्शन बिकम्स 4/5, एंड इफ 5 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, देन द फ्रैक्शन बिकम्स 1/2, फाइंड द फ्रैक्शन। हमें पता है दो दो केस गिवन है, मान लीजिए न्यूमरेटर x है डिनोमिनेटर y है। केस 1 में x और y में 1 जोड़ने पर 4/5 हो रहा था, तो इसको सॉल्व कर लेंगे, एक इक्वेशन बन जाएगी। सेकेंड केस में x और y में से -5 कर रहे थे दोनों में से, तो 1/2 आ रहा था, इसको सॉल्व कर देंगे, इसकी दूसरी इक्वेशन बन जाएगी। दोनों इक्वेशन को कंपेयर करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, तो फर्स्ट एज इट इज़ रहने देंगे, सेकेंड को इक्वल करने के लिए 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4y हो जाएगा यहाँ पे माइनस का, इसको प्लस में कन्वर्ट करेंगे। यहाँ पर नीचे देखिए इसको, और इधर -20 हो जाएगा, 5 × 4, इधर 8 हो जाएगा, इसको कैंसिल आउट करेंगे, x की वैल्यू आ जाएगी 7। 7 की वैल्यू को हम पुट कर देंगे किसी भी इक्वेशन में, तो y की वैल्यू आपके पास आ जाएगी, वाली की वैल्यू आ रही है 9। प्रूव दैट साइन थीटा प्लस कोस थीटा स्क्वायर प्लस साइन थीटा माइनस कोस थीटा स्क्वायर इक्वल्स टू 2, और 1 + cos θ / 1 - cos θ cosec θ cot θ। सोल्यूशन नंबर फर्स्ट देखिए, बाई यूजिंग द आइडेंटिटी a+b का होल स्क्वायर, तो a+b का होल स्क्वायर करेंगे हम इन दोनों का, तो इसको सोल्यूशन करते हैं। इसको करने से a+b का होल स्क्वायर एंड a-b दोनों लग रहे हैं, इसमें दोनों को लगाएंगे, ये रहा लगाया हमने, इसको सॉल्व किया तो ये दोनों कैंसिल हो गए, हमारे पास आ गया sin²θ + cos²θ बचा हुआ यहाँ पे, तो हमने उसको पुट कर दिया sin²θ + cos²θ इसकोस टू 1 होता है, तो sin²θ + cos²θ दो बार है यहाँ पर, तो 1 + 1 = 2, हैंस इट इज़ द प्रूव्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका उसी का और पार्ट, इसमें वही हमें फ्रैक्शन करना रेशनलाइज करना पड़ता है, और 1 नीचे अगर इसका डिनोमिनेटर में 1 - cos θ है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 + cos θ से, और सॉल्यूशन आ जाएगा। हम अभी ऑलरेडी कर चुके हैं इस क्वेश्चन का, आपने देखा था, ये देखिए मैंने सॉल्व कर दिया है और यहाँ पर आंसर भी आ गया। नेक्स्ट है
A rectangular ground is 40 meter long and 30 meter wide. A 3 meter wide path parallel to the length and width made in the middle. Middle है, ध्यान रखिए, side भी नहीं है. Middle of the ground. Find the expenditure of paving the concrete on this path at the rate of 200 per square meter. तो इसका diagram देखिए कैसे बनता है. ये है length 40 और ये है width 30 और दोनों के center से, क्योंकि बीच में एक सड़क क्रॉस हो रही है जिसकी चौड़ाई है 3, यानी कि विड्थ है 3. तो हमें एरिया पता होता है कंक्रीट पाथ का. कैसे निकालेंगे कंक्रीट पाथ का, देखिए हमें पता है लेंथ कितनी है कंक्रीट पाथ की 40 और विड्थ कितनी है 3. तो 40 × 3 प्लस दूसरा कंक्रीट पाथ कितने का है, लेंथ है उसकी 30, हाइट मतलब 30 और विड्थ कितनी है 3. तो इसका आ जाएगा 30 × 3 −3 × 3. इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बीच में जो साइड आ रही है वो दो बार आ रही है, एक बार 30 लेंथ से एक बार 40 लेंथ से. तो ये 3 × 3 दो बार हो रहा है, यहाँ पे आ रहा है बार बार, तो इसको हमें माइनस करना पड़ेगा. तो 2 times आ गया, 1 time ही हमें लेना पड़ेगा. या तो ऊपर वाले का ले लो या नीचे वाले का, यानी कि 40 लेंथ वाले कंक्रीट पाथ का ले लो या 40 लेंथ वाले कंक्रीट पाथ का पूरा ले लो नीचे, तो इसको माइनस कर देंगे. तो ये हमारे पास माइनस करने पे आंसर आ गया 201 meter square. देन कॉस्ट ऑफ 1 meter कंक्रीट इज 200, देन इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 200 से, तो 40 × 200 rupees आ जाएगा आंसर हमारा. नेक्स्ट क्वेश्चन, द लेंथ ऑफ ए रूम इज 5, विथ इज दिस एंड द हाइट इज 4. फाइंड द टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ वाइट वॉशिंग ऑन द फ्लोर 4 wall एंड रूफ, यानी 4 दीवार और छत, 5 हिस्से हो गए, और एट द रेट ऑफ 15 पर स्क्वायर मीटर. देखिए इसका सोल्यूशन कैसे होगा, हमें लेंथ पता है, हाइट पता है, विड्थ पता है. सो द एरिया ऑफ द वाइट वॉशिंग क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ 4 wall प्लस एरिया ऑफ रूफ. एरिया ऑफ 4 wall होता है 2L प्लस B into H, जो वॉल की लेंथ होगी, विड्थ होगी और हाइट होगी. और एरिया ऑफ रूफ, रूफ जो छत होता है वो कैसा होता है, लंबा और चौड़ा, लंबाई और चौड़ाई, तो लेंथ इंटू विड्थ. देन उसको यहाँ पर हमारे पास सारी वैल्यूज हैं, पुट करेंगे हमारे पास आ जाएगा 85.5 meter square. कॉस्ट हमें पता है 1 meter square का 15 है, तो 15 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 1282.50 rupees. ड्रॉ ए फ्रिक्वेंसी पॉलीगॉन विद द हेल्प ऑफ हिस्टोग्राम, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन. तो हिस्टोग्राम पर आप क्वेश्चन कर चुके हैं, हमने क्लास इंटरवल ले लिया एक्स एक्सिस पे, फ्रिक्वेंसी ले लिया वाई एक्सिस पे, और इनके हमने पहले बनाए हैं हिस्टोग्राम, और हिस्टोग्राम के सेंटर पे पॉइंट मार्क किए और उनको फिर पेन से मिला दिया. और यहाँ पर हमने स्केल लिया एक्स एक्सिस पे 1 centimeter 5 unit के बराबर, 1 centimeter 1 unit के बराबर. ये हमारे पास सोल्यूशन हो गया. लास्ट क्वेश्चन था ये, थैंक यू. और कुछ एग्जांपल्स, सॉरी कुछ क्वेश्चंस में बुक से भी टिक करके डाल दूंगा, आप लोग चेक कर सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो, क्योंकि आपके 33 बनते हैं पेपर, उसमें से रैंडमली वन चूज होके आता है, कभी कभी डिस्ट्रिक्ट वाइज भी आता है, तो आपके एग्ज़ाम्स के हिसाब से इस पूरे जो अलवर डिस्ट्रिक्ट का पेपर जो बनेगा वही आएगा, उसके हिसाब से हम लोग चेक कर लेंगे. थैंक यू.